जिसको हम याद करेंगे, क्या है, जिसको हम याद करेंगे उसका मन का कनेक्शन हमारे मन से जुड़ जाएगा। कभी कभी देखिए कि बिना मतलब आप मतलब शांत आप अपने घर में काम कर रहे हैं, बिना मतलब उदासी आ रही है, बिना मतलब इरिटेट हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? उसके पहले आप ध्यान दो कि हम किसके बारे में बात किए थे, किसके बारे में सोचे थे। तो हम जिसको याद करते हैं उसके मन का कनेक्शन हमारे मन से जुड़ जाता है, उसका डेटा हमारे मन में रिकॉर्ड होने लगता है। इसलिए बताया गया है कि परमपिता परमेश्वर को याद करो। परमेश्वर कौन है? शांति के सागर, प्यार के सागर, खुशी के सागर, दुख हरता सुख करता है। तो जब सर्वगुण संपन्न हमारे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, तो हमारे मन का कनेक्शन जब उनके साथ जुड़ेगा तो सारी चीज़ें हमारे अंदर रिकॉर्ड होंगी। तो हम कैसे हो जाएंगे? अपने परमपिता परमेश्वर शिव बाबा की तरह खुशी के दाता है, जो सर्वगुण संपन्न। तो आज से हम किसको याद करेंगे? भगवान को। अब आपको रीजन पता चल गया ना हम भगवान को क्यों याद करेंगे। हम किसी और को जब याद करते हैं तो हमारे जो उसकी मन की दशा होती वही हमारे मन की दशा हो जाती। तो आप सोचो कि मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे जो लोग हैं उनकी मन की दशा कितनी अच्छी है कि आप उनको याद करके आपके मन की दशा अच्छी हो सकती है। इसलिए हमको भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। हैप्पी डे। ओम शांति।